हेलो एवरीवन, दिस इज़ द क्विज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग रिलेटेड टू इट्स मीनिंग कॉन्सेप्ट नीड ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स. सो इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स क्या आ सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होंगे. सो दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो हमारे पास जो चार चार नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं. व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग. Explain the different objectives of economic planning in India. Discuss the role of planning in the economic development of India. Discuss the various types of planning. अगर आपके पास ये चार नंबर में क्वेश्चन आता है तो जस्ट आप उसके नेम्स बता सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है. Why there is a need of economic planning of India. What is planning by inducement. Explain prospective planning and prospective planning. कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है. और नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. कि जो प्लानिंग है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण प्लानिंग क्या होती है. तो इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं कि जो अलग अलग हमने प्लानिंग के टाइप्स की उनमें क्या डिफरेंस हो सकता है. तो इसी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह के आ सकते हैं. नेक्स्ट इसमें हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. तो इनमें हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे फर्स्ट है, अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग डिसीजन मेकिंग इज़ डन बाय. डिसीजन मेकिंग कौन करता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, जो जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो उसके द्वारा की जाती है. नेक्स्ट, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया. सो द राइट आंसर इज़ 1947. जो राइट आंसर है वो 1947 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. कि इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव जो नहीं है. जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. तो इसमें हमारे पास देखो ऑप्शन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. तो इसमें जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. सो डी इज़ द राइट आंसर. तो हमें ध्यान से देखना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है. नेक्स्ट है, हु चेयर्स नीति आयोग इन इंडिया. जैसा कि नीति आयोग 2014 में नीति आयोग हमारा बना, तो उसको कौन चेयर करता है. तो राइट आंसर इज़ प्राइम मिनिस्टर. तो दीज आर द डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So thank you everyone. Have a nice day.